हम बनाएंगे लेमन राइस। लेमन राइस बनाने के लिए हमको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है, ये हमने थोड़े चावल तकरीबन 250 ग्राम के आसपास ये हमने उबाल के ठंडे कर लिए थे, और इसमें डालने जो सामान चाहिए हमने एक नींबू निचोड़ के रखा हुआ है, ये इसमें डालने के लिए कुछ हरी मिर्ची और कड़ी पाक के पत्ते हैं, और ये हमने थोड़ा सा नमक लिया हुआ है, ये उड़द की दाल के दाने हैं, ये थोड़े से चने की दाल के दाने हैं, और ये हल्दी पाउडर है, ये हमने जीरा और राई मिलाकर रखा हुआ था, और ये इसमें थोड़ी सी स्वाद के लिए अदरक डालेंगे, और इसमें डालने के लिए हमने एक प्याज काट के रखा है बड़े साइज का, इसमें डालने के लिए थोड़ा सा हमको हरा धनिया चाहिए और कुछ मूंगफली के दाने और ये साबुत सूखी लाल मिर्च। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसमें हमने ऑयल डाला था वो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ हमने राई और जीरा मिलाकर रखा था वो हम डाल देंगे, जो थोड़ी सी चने की दाल ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। चने की दाल सिक चुकी है, हम इसमें जो हमने थोड़े से उड़द की दाल के दाने लिए थे वो सेक लेंगे। अदरक के टुकड़ा घिस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने मूंगफली के जो कुछ दाने लिए हुए थे वो डाल देंगे। ये मूंगफली के दानों का कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा जब तक हमको धीमी गैस पे सेकना है। इसमें हमारे मूंगफली के दाने सिक चुके हैं, देखिए आप कलर देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे वो हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने जो प्याज डाले थे इसको हमको जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, जिससे मूंगफली के दाने का हुआ है। ये देखिए हमारे प्याज और मूंगफली के दाने अच्छे से सिक गए हैं। अब हमने जो सूखी लाल मिर्ची ली हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे, और हमने कुछ कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची ली हुई थी वो हम डाल देंगे। हम इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे, सब चीजें सिक चुकी है, हम इसमें नमक डाल देंगे, जिस हिसाब से हमारे चावल है उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। अब सब चीज अच्छी तरह से सिक चुकी है, हम जो हमने चावल ठंडे किए थे वो हम डाल देंगे पूरे। नमक इसमें हमने पहले डाल दिया था, हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे क्योंकि इसका नाम ही लेमन राइस है। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने हरा धनिया काट के रखा था वो हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे। ये देखिए चावल कितने टेस्टी लग रहे हैं, इसको देखते ही खाने का मन होता है। तो आइए हमारे चावल एकदम लेमन राइस रेडी हो चुके हैं, हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा लेमन राइस एकदम तैयार है। अब आप इसका वीडियो बनाइए और फिर टेस्ट कीजिए, फिर हमको बताइए कि आपको हमारे लेमन राइस कैसे लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।